ये सांपों का राजा किंग कोबरा। आज आपको बताते हैं किंग कोबरा के बारे में। ये है पूंछ जो थोड़ी बहुत नकुली होती है। ये कभी कभी इसका प्रयोग करता है, लेकिन इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें कोई विनस जहर नहीं होता है। जब हम सांप को दूरी से पकड़ते हैं तो ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है। कभी कभार लेकिन ये इतना कोई इसमें कोई वैसे कोई खतरा नहीं होता है। ये थोड़ी नकली होती है, लेकिन जब भी आप पकड़े इससे कोई डरे ना। करीबन 1 फुट के आगे ये सांप का होता है, जिसे हम बोलते हैं आउटलेट। जहां से सांप पोटी करता है, ये करीबन जहां से पतला सिरा स्टार्ट होता है, यहीं से सब कुछ होता है। सांप के बच्चे पैदा करते हैं, जो फीमेल या जिसे हम बोटी बोलते हैं, ये यहीं पर होता है। इसके बाद जैसे आप सर्प की स्किन यानी शरीर, या बोले इनकी मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती है। यहाँ से पीछे वाला हिस्सा होता है पतला होता है काफी। इनके बाद में ये होता है, ये सर्प की स्किन है जो कि काफी डिजाइन होती है। ये धब्बे टाइप के होते हैं, ब्लैक ब्लैक एक्स। ये करीब 2 साइज के होते हैं। ये देखो ये लंबे हैं काफी। इसके ऊपर होते हैं ऊपर वाले हिस्से, ये लंबे वगैरह होते हैं। फिर ये दिल शेप के होते हैं ये। और इनके बाद में जो लोअर स्किन होती है, ये सीधी लंबी लकार की टाइप होती है, जो इधर उधर करने में इजी रहती है। जब सांप रेंगता है तब यही सरफेस होती है जो रेत के मिट्टी की टच होती है। ये काफी चिकनी भी होती है और आगे छिड़कने में ये मदद करती है। ये ऑप्शन होते हैं, ये सर्प को आगे छिड़कने में या रेत को स्वयं को पीछे फिसलने से रोकने के लिए होते हैं। ये पूरी बॉडी में होते हैं इनके सने के। ये देखो आगे बॉडी के पीछे भी बड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है ये खुले, लेकिन खुले नहीं, ये बंद होते हैं। इसके बाद में आपको बताते हैं, ये होता है सांप का फन यानी हुंड। इसके करीबन यहीं के आसपास होती है सांप की जहर की कोतली, जहाँ जहर या विनमस होता है, नॉन टॉक्स या जीरो टॉक्सिक, जो भी इवन नॉन टॉक्स होता है कोबरा में लगभग, जो कि यहाँ की नस के थ्रू यहाँ आता है दांत। ये जब बाइट करता है, ये 2 दांत होते हैं ये फ्रंट के। ये देखो सांप के सांस लेने के, जिसे नाक बोलते हैं, ये होती है नाक। लेकिन इनके कान नहीं होते, सिर्फ के कान अंदर। बारी स्किन पर सांप के कोई कान नहीं होते हैं। ये दोस्तों ये है नाक, ये होल दिख रहे हैं छोटे वाले, ये आगे वाले वाले, ये इनके नाक है सांस लेने के लिए। इसमें सिलते ये वैसे मुंह से भी लेते, लेकिन ये भी है इनके।
तो ये होती है, अभी देखो नोज सही दिख रही है, ये होती है इसकी नोज। ये होता है ये पोर्शन, जहाँ ये होल दिख रहे हैं ना आपको, ये होती है इसकी नोज। जब आपको सर्प बाइट करता है कभी कभार, तो जब तक आपके दो नखों नहीं लगे तब तक आपको सुनाई देता है। ये देखिए ये होते था, ये जो आगे वाला पोर्शन है नुकुला, यहाँ से जहर आपके अंदर डोज करता है। और ये जो मुंह के अंदर होल है इसमें से जीभ बाहर आती है सने की, वो बाहर अंदर बाहर जाती है, अभी अंदर है, बहुत अंदर गई है। ये दांत टूटा हुआ है, इसका एक दांत है, इधर का दांत टूट गया कैसे। ये इसका मतलब, और इसके शरीर के मुंह के अंदर कोई दांत वगैरह नहीं होता है। ये देखो सिर्फ दो दांत होते हैं सर्प के मुंह के अंदर, और वैसे ये शिकार को सीधा घेरता है चूहे वगैरह को। ये सिर्फ एक दांत, ये दूसरा इधर वाला, ये आगे खड्डे होते हैं इसके अंदर से आगे चला जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये होता है स्नेक टीथ, आईज, ईयर एंड दिस स्किन। जब भी आप सांप को पकड़े तो इसके इस पोर्शन से पकड़े, इसके मुंह को यहां से पकड़े, ना इधर से आगे और ना यहां से पीछे। इसका जब मुंह पकड़े तो यहां से पकड़े, इतने से पीछे से पकड़े, और इसके नीचे वाले पोर्शन में कभी अपना बॉडी का पार्ट ना लगाए। कुछ लोगों का मानना है, वो साइंटिस्टों का भी मानना है कि ये अपना ये दांत अपनी स्किन, ये निचले वाला जबड़ा, नीचे वाले जबड़े के अंदर से गड़ो सकता है, वो यहाँ साइड पे ना रखे। ये कभी अपना मुंह तिरछा कर सकता है, ये अपना एंगल से ऐसे टर्न करता है मुंह, ये ऐसे कर सकता है अपना मुंह, और साइड से ऐसे भी गड़ा सकता है। तो जब भी सांप का मुंह पकड़े ध्यान रखे यहाँ पर आगे वाले पोर्शन अपना हाथ ना रखे, अंगुली वगैरह ऊपर वाले जबड़े के ऊपर अपना अंगूठा कुछ भी लगा सकते हो आप, लेकिन नीचे वाले पोर्शन के अंदर आप कुछ भी नहीं लगाए। और ये होती है सांप की जीभ, जिसे वो ये आइडेंटिफाई करता है ये जीभ जिंदा है या मुर्दा है। इसके दो पार्ट होते हैं, ये करीबन दो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है लास्ट। जितना बड़ा सनेक हुआ जितनी बड़ी इनकी ये जीभ की साइज होती है। ये इसमें दो पार्ट होते हैं, ये सांप की जीभ दो भागों में बंटी होती है, ये अंदर बाहर करता रहता है, इससे ये आइडेंटिफाई करता है ये जीव जिंदा है या
खत्म हो गई। एक तरह का ये सेंसर होता है, आइडेंटिफाई हो एनी ऑब्जेक्ट। ये इस होल से निकलती है जीभ। ये काफी लंबी है लेकिन अभी इसकी इतनी भी निकली हुई है। ये जीभ कभी जहर नहीं दोगती है, जहर सिर्फ ये दांत होते हैं, जहरीले इसी में से आते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जीभ लगने से कुछ भी नहीं तो आप घबराए नहीं, और सांप खाने के बाद आप अपनी बॉडी को ज्यादा मूवमेंट ना करें। बॉडी को उतना हिलाए के सिर्फ जरूरी होता है, और अपनी बॉडी को ज़्यादा जिस पार्ट में खाया है उस पार्ट को ना ले और ना ही घबराए। सांप खाने के बाद पानी ना पिए और एक बात विशेष तौर, सांप खाने के बाद आप दूध या घी दोनों पी सकते हैं, इसके डॉक्टर भी परमिशन देते हैं। जिस पार्ट को खाए उसे इतना डाइट ना बने, वरना तो आपका बॉडी पार्ट काटना पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।